लो कुछ कुछ डी एस एल आर। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और ब्लॉग के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ। आज मैं आप लोग के साथ अपनी छोटी सी प्यारी सी खुशी भी शेयर करूँगी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी अपना जो मैंने कभी शेयर नहीं किया वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी खुशी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो आपको शायद थंबनेल में नज़र आ गया होगा, आपने हेडलाइन भी पढ़ ली होगी उसकी। सो सबसे पहले तो ये कि मैं ये खुशी दिखा देती हूँ आप लोगों को, और खुशी मेरी ये है, दिस इज़ माई फर्स्ट डी एस एल आर कैमरा जो कि मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच हियर इज़ हस्बैंड एंड आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा डी एस एल आर कैमरा जिससे मैं शूटिंग किया करूँगी अब से। सो मैं आज आप लोग अपनी शूटिंग की चीज़ें भी दिखाती हूँ थोड़ी सी। ये मेरा कैमरा है, माय डी एस एल आर कैमरा। ये उसके साथ उसका ट्राईपॉड है, उसके साथ मेरे पास मेरा अपना लैपटॉप है। ये भी मुझे आज से कुछ साल पहले शर्जील ने ही गिफ्ट किया था। और ये मेरा डी एस एल आर का बॉक्स है, और ये मेरा प्यारा सा डी एस एल आर है। से हाय डी एस एल आर। ओके, सो हम इसका थोड़ा सा आप लोगों के सामने ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, ठीक है। टन टना, ये दिस इज माई, अभी मैं इसको ना थोड़ा सा सीख रही हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा सा इसकी ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है क्योंकि इसके स्किल, और शिट मेरे हाथ से वो गिर गया, इसके जो ना बहुत कुछ नए नए स्किल्स हैं इसके अंदर जो सीखने हैं, बहुत ज़रूरी है। कुछ नए नए इसके चीज़ें हैं जो मज़ा आ रहा है सीखने में बहुत ज़्यादा, तो शूटिंग करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये इंट्रोडक्शन था मेरे डी एस एल आर कैमरे का। सो अब इंट्रोडक्शन है मेरा, मेरा नाम नगीन है और मैं कुकिंग करना बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं शेफ बन गई। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में ब्लॉगिंग का टैलेंट है, इसलिए मैं ब्लॉगर भी हूँ। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा तादाद में आप लोगों को रेसिपीज़ और जो है वो ब्लॉग्स मिलेंगे। इसके अलावा थोड़ी बहुत रेमेडीज़ भी चैनल पे डालती हूँ, क्योंकि जो रेमेडीज़ मैं लाइफ में फॉलो करती हूँ और मुझे उससे फ़ायदा हो जाता है, तो मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ। सो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा मैं एक ब्यूटिशन आर्टिस्ट हूँ, ये काम करते हुए सबसे ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, बिकॉज मुझे 10 साल हो चुके हैं ये काम करते हुए। ब्यूटिशन आर्टिस्ट हूँ मैं, मेरा सलून है, अभी तक बाकायदा नहीं बनाया है, अभी थोड़ा छोटे पैमाने पर ही, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बड़े पैमाने पर भी। आप लोगों की दुआओं से अगर आप लोग मुझे पसंद करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सो इंशाल्लाह एक दिन उस मकाम पर भी पहुँचूँगी जब मेरे सलून को, मेरे चैनल को आप नहीं पूरा पाकिस्तान जानेगा मानेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान की नंबर वन यूट्यूबर बन जाऊँ। सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ अपने बारे में कि और मैं क्या क्या करती हूँ, बता ही रही थी वैसे। वैसे मैं एक स्टडी भी करती हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक। वैसे मैं मैरिड हूँ, आई हैव अ 3 kids too। और इसके अलावा मैंने किस सब्जेक्ट में अपनी स्टडी की हुई है, मैंने अभी बैचलर्स इन आर्ट्स किया हुआ है, जिसमें उर्दू एडवांस, पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन मेरे मेन लीड सब्जेक्ट्स रहे हैं। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो अभी बन चुका है अब, क्योंकि वो मुझे, मैं बहुत सालों से पढ़ रही हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर में भी लिया, सेकंड ईयर में भी लिया, तो थर्ड ईयर में भी लिया, तो फोर्थ ईयर में भी लिया, वो पॉलिटिकल साइंस ही है। सो आई लव अ पॉलिटिकल साइंस, दैट मीन्स आई लव सियासियात। और इसके अलावा मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्यारा सा जो कोशिश है मेरे इंट्रोडक्शन और मेरे व्लॉग की आपको पसंद आ रही है या नहीं। पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि अगर आपको पसंद आ जाए और अगर आप लोगों को मज़ा आया और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह के ब्लॉग्स और बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दूसरी बात ये है कि मैं आज एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं इतने सारे काम कर पाती हूँ, और वो मम्मा बाबा का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मम्मा बाबा सबके हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं फ़र्स्ट नहीं कहलाऊँगी कि मम्मा सपोर्ट कर रही हैं या बाबा सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं इतना कुछ कर पाती हूँ अपनी लाइफ में। मुझे सपोर्ट सिस्टम सबसे बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला बुरी नज़र से महफूज फरमाए, मेरे हस्बैंड की तरफ से है। थैंक यू सो मच डियरेस्ट हस्बैंड, आप बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। और दूसरे मेरे पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, और मेरे रब का बेशक है, मेरे रब ने मुझे पीछे से एक और सपोर्ट दी है, वो मेरे सर हैं जो मुझे पढ़ाते हैं, वो भी और उनकी वाइफ भी, और उनसे मुझे बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच सर, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए, आप मुझे बहुत दिल से और बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, थैंक यू। अल्लाह ताला आपके वालदेन की उम्र दराज फरमाए
और मैं दोनों जो मेरी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग होगा जिनकी वजह से कामयाब हो रही हूँ और हो जाऊँगी इंशाल्लाह, तो मेरे हस्बैंड, मैं चाहूँगी कि आप लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे और कामयाबी अता फरमाए, और मेरे सर के लिए भी और उनकी वाइफ के लिए भी और उनके हमारे मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे सर के लिए, और एक और मेरे बहुत प्यारे से छोटे से क्यूट से भाई हैं जो मेरे हर काम में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच तलहा। सो आज जब मैं ये लेकर आई डी एस एल आर, मुझे जब शर्जिल ने गिफ्ट किया तो शायद मुझे इतनी खुशी नहीं थी जितनी तलहा को थी। तो तलहा आई लव यू, ही इज़ माई यंगर ब्रदर। सो थैंक यू तलहा हमेशा इतना मेरा सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए, थैंक यू सो मच। सो ये व्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। सो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो कीप वॉचिंग क्रिएटिव कुक्स बाय नगीन। अल्लाह हाफिज़।